हेलो गाइस, दिस इज दीपक बंसल पंजाब आई क्यू देसी यूट्यूब चैनल से थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है। आज आप इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं जो कि थोड़े पटवारी के एग्जाम वास्ते, कोऑपरेटिव बैंक के एग्जाम वास्ते, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। जिन्हें भी पंजाब के एग्जाम होने वाले ने जिसे इंडियन पॉलिटी मैनशन की हुई है उस वास्ते वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो हूँ आप शुरू कर दें। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कहते हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। आप दसने कि यूनियन पावर कमेटी का चेयरमैन कौन सी है। आप दसने तो सामने चार ऑप्शन ने, तो टाइम शुरू होता है हूँ। ओके, टाइम्स अप तेरा सही आंसर आजूगा डी, पंडित जवाहर लाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहर लाल नेहरू की सी चेयरमैन थी यूनियन पावर कमेटी दे। तुसी याद रख लियो, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है। ठीक है जी, आप गल कर लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जी फंक्शन थी वो कदों शुरू हुई थी, तो डेट जरूर रख याद रख लियो कि जी फंक्शन थी वो कदों स्टार्ट हुई थी। 9 दिसंबर 1946 के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जी, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, इसकी फंक्शनिंग शुरू हो गई थी। ठीक है, ये डेट बहुत इंपोर्टेंट बन जाती है। जो मैं गल करा कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन थी कदों अडोप्ट किया गया थी, तो ये डेट भी याद रख लियो 26 नवंबर 1949 के अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अपने देश का संविधान है, वह आप अडोप्ट किया। ठीक है, इसमें देखो ये 6 है 6 का उल्टा क्यों गया 9 हो गया, इतने 9 है 9 का उल्टा क्यों गया 6 हो गया। ठीक है, नवंबर दिसंबर लवे जड़े ने, इस तरीके याद कर लियो कि 9 दिसंबर 1946 जी अपनी असैम्बली थी, कॉन्स्टिट्यूशन असैम्बली थी, इसकी फंक्शनिंग, ठीक है, कार्यकाल इसका शुरू हो गया थी। तो जो 26 नवंबर 1949 के हो अपना कॉन्स्टिट्यूशन आप कर लिया, अडोप्ट कर लिया। जो आप गल करिए कि जी कॉन्स्टिट्यूशन असैम्बली थी, इसके किन्ने सैशन हुए थे, आप सैशन की गल करिए तो याद रखिए इसके 11 सैशन हुए थे। ठीक है, यही इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता कि किन्ने सैशन थी, तो 11 सैशन हुए थे अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असैम्बली के। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट गल जो मैं सूँ दस दूंगा। ओके, सैकेंड क्वेश्चन कैन द फर्स्ट डे सैशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असैम्बली वॉज चेयर्ड बाय। देखो आप पता 11 सैशन हुए थे, जो मैं पहले सैशन की गल करा कि पहले सैशन का चेयरमैन कौन थी, यह दसना आप थोड़े सामने चार ऑप्शन ने, थोड़ा टाइम शुरू होता हूँ। ओके, टाइम का तेरा सही आंसर आज अपना डी, डॉक्टर सचिनंदा सिन्हा। डॉक्टर सचिनंदा सिन्हा कौन थी, चेयरमैन थी फर्स्ट सैशन के। ठीक है, फर्स्ट सैशन के चेयरमैन कौन थी, डॉक्टर सचिनंदन सिन्हा। यह याद रख लियो, बहुत इंपोर्टेंट नाम है। देखो इस कुछ इंपोर्टेंट गल्लां ने, वह याद रख लियो अपने कॉन्स्टिट्यूशन वास्ते जी, कॉन्स्टिट्यूशन बनने वास्ते कितना टाइम लग्या जी, ये बहुत पूछा जाता, बहुत बार पूछ चुके हैं, बहुत जिन्हें भी पुराने एग्जाम ने उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो अपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनया उसमें बनने में कितना टाइम लग्या जी, तो यह लग्या जी टाइम अपना 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन बनने वास्ते। तो देखो इस बहुत सारी कमेटी थी, लेकिन कुछ बहुत इंपोर्टेंट कमेटीज थी, जिमें कि अपनी ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, जो मैं गल करा कि ड्राफ्टिंग जी कमेटी थी अपनी, ड्राफ्टिंग जी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसका चेयरमैन कौन थी। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन थी, तो याद रख लियो यह कौन थी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर कौन थी, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। ठीक है, इसमें जरूर याद रख लियो, बहुत बार पूछा गया। तो एक होर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जी ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो किस डेट में शुरू हुई थी, तो यह थी अपनी 29 अगस्त 1947। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी अपनी कदों शुरू हुई थी, 29 अगस्त 1947। तो आप कह सकते कि आजादी तो 14 दिन बाद, 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ, उस तो 14 दिन बाद 29 अगस्त 1947 के ड्राफ्टिंग कमेटी की हो गई थी, शुरू हो गई थी। ठीक है, ये याद रख लियो। जो आप गल करिए ड्राफ्टिंग कमेटी के किन्ने मैंबर थी, ठीक है, जो आप गल करिए कि इसके किन्ने मैंबर थी, तो यह जरूर याद रख लियो कि 7 मैंबर थी। ठीक है, कि अपन ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन सबनों पता होंगे। ठीक है, तो यह जी ड्राफ्टिंग कमेटी के मैंबर बहुत घट लोगों को पता होंगे, 7 मैंबर थी ड्राफ्टिंग कमेटी के। यह जरूर याद रख लियो, यह मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता कि ड्राफ्टिंग कमेटी के किन्ने मैंबर थी, 7 मैंबर थी। ठीक है, ओके, जो थोड़ी इसकी पीडीएफ चाहिए तो करना सरकारी 19 इकट्ठा लिखना, बिना स्पेस तो लिखना सरकारी 19 इकट्ठा लिखोगे, टैलीग्राम चैनल के उसके पीडीएफ मिल जूगी, जो यूट्यूब सर्च के सरकारी 19 इकट्ठा लिखोगे तो उसके होर वीडियोज मिल जाएंगे, जिसे मैं हूँ करंट अफेयर पाने वाला। ठीक है, करंट अफेयर मिल जाएंगे, मई के करंट अफेयर मैं अज इस पा देने। ओके, तीजा क्वेश्चन कहते हाउ मैनी मैंबर वर इनिशियली देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन असैम्बली ऑफ इंडिया। जी कॉन्स्टिट्यूशन असैम्बली थी
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਓਕੇ ਟਾਈਮਸ ਅਪ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਜੂਗਾ 300 ਠੀਕ ਹੈ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟਰੀ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ 300 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕਾਰਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਦਾ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਸਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਟਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਓਕੇ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਟਰੀ ਐਨਜੋਏ ਫੈਡਰਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੈਡਰਲ ਫਾਰਮ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਨਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੈਡਰਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਓਕੇ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਜੂ ਆਪਣਾ ਬੀ USA USA ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫੈਡਰਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ USA ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਨਰਿਟਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਨਰਿਟਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਦਾ ਅਨਰਿਟਨ ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ UK ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਠੀਕ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦਾ ਅਨਰਿਟਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੀਚਰ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੀਚਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੀਚਰ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੀਚਰ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਜੂਗਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿਸੇ MLA MP ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੀਚਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੀਚਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਦੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਓਕੇ ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਇਨ ਆਵਰ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਟੇਕਨ ਫਰੋਮ ਦੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਓਕੇ ਟਾਈਮਸ ਅਪ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਇਹ ਆਪਾਂ USA ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ USA ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤਾ ਆਪਾਂ USA ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਦ ਸਟਰੋਂਗ ਸੈਂਟਰ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਦ ਸਟਰੋਂਗ ਸੈਂਟਰ ਮਤਲਬ ਫੈਡਰਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖਿਆ ਮਤਲਬ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਜੂਗਾ ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਚਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸੋਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਐਡ ਕਰਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਗੈਸਟ ਸੋਰਸ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿੱਤਾ ਹੈ
लेकिन सब तो ज्यादा आपको कितों लिता बिगेस्ट सोर्स केड़ा, बिगेस्ट सोर्स केड़ा, सब तो ज्यादा कि लिता है यह तुम्हें दसना। तेरा सही आंसर आज आप दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के सब तो ज्यादा जी चीजा ने वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के एड की गई ने, ठीक है, तो करके इसमें कहते हैं ब्लू प्रिंट कहते हैं अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यह भी याद रख लियो। ओके, सिक्स क्वेश्चन कहते हैं एट द टाइम ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडियल्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रैम्बल, प्रैम्बल के आइडियल जरा इंक्लूड नहीं थी, प्रैम्बल के वर्ड इंक्लूड नहीं थी जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया थी, इनैक्टमेंट की थी, ठीक है, इनैक्टमेंट किया गया थी उस टाइम इन्होंने के वर्ड नहीं है थी, तुम यह दसना तो टाइम शुरू होता हूँ। ओके, टाइम्स अप, तो देखो जो मैं गल करा 42nd अमेंडमेंट हुई थी, 42nd अमेंडमेंट हुई थी कदों हुई थी 1976 दे विच, ठीक है, 1976 दे विच 42nd अमेंडमेंट हुई थी जिदे विच तीन वर्ड ऐड किए गए थे, कि सोशलिस्ट, सैकुलर ते इंटेग्रिटी, एस एस आई 42nd अमेंडमेंट 1976, एस एस आई सोशलिस्ट सैकुलर इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट सैकुलर इंटीग्रिटी, ठीक है, सोशलिस्ट सैकुलर इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट सैकुलर इंटीग्रिटी, ठीक है, 1976 42nd अमेंडमेंट के विच तीन वर्ड ऐड किए गए थे, तो पहला शुरुआती कौन नहीं थी, अगर सैकुलर तो है ही नहीं थी, सैकुलर तो बाद गया सैकुलिस्ट की बाद ऐड किया गया, तो सैकुलिस्ट बाद ऐड किया गया, तो यह आंसर की आजगा अपना सी आजगा, ठीक है, ये याद रख लियो। ओके, सत्तवां द टर्म एजुकेशन बिलोंग टू, जी एजुकेशन टर्म है, जी एजुकेशन टर्म है किसने बिलोंग कर, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, रेजिडुअरी सब्जेक्ट है, दसना है थोड़ा टाइम शुरू हूँ। ओके, टाइम्स आप तेरा सही आंसर आ जाऊगा अपना सी, कंकरेंट, एक कंकरेंट लिस्ट है, मतलब स्टेट के करनी भी आती है, यूनियन के करनी भी आती है, सेंटर करनी भी स्टेट के करनी भी, तो यह की है कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट दोनों करनी आता है। जे थोड़ा पूछा मैं, चलो एक बेसिक जो क्वेश्चन पूछा, मैंने दसो कि अपने किन्ने शड्यूल ने, ठीक है, शड्यूल किन्ने ने अपने, ठीक है, तो ये किन्ने आ जाएंगे 12। एक होर सिंपल जहा क्वेश्चन मैंने दसो तुम कि अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज किनिया ने, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऑफिशियल लैंगुएज का दर्जा किनिया लैंगुएज में मिले, तो किनिया लैंगुएज रिकोगनाइज की गई ने, तो अपने अपने जी लैंगुएज रिकोगनाइज है ऑफिशियल लैंगुएज नहीं, लैंगुएज किनिया रिकोगनाइज की गई ने, तो यह आंसर आ जाएगा 22, ठीक है, 22 लैंगुएज रिकोगनाइज की गई, ठीक है, लैंगुएज अपने देश बहुत ने, ठीक है, हज़ार लैंगुएज ने, पर 22 लैंगुएज में रिकोगनाइज किया गया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, ये तुम याद करना। ओके, अठवां क्वेश्चन कहते विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फंडामेंटल राइट, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर तो देखो सारे ने देना कि केड़ा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट्स नाल डील करता, फंडामेंटल राइट नाल केड़ा पार्ट डील करता है, यह दसना तो सारा टाइम शुरू होता हूँ। ओके, टाइम्स अप तेरा सही आंसर आजू अपना सी, तीजा पार्ट, ठीक है, तीजा पार्ट कि डील करता, फंडामेंटल राइट्स नाल यह डील करता है। देखो फंड अपने जो पार्ट्स में याद कर लो क्योंकि इस डायरैक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता भी केड़ा पार्ट किस नाल डील करता है, डायरैक्ट क्वेश्चन एक आ सकता है, चांस है भी कहने नहीं भी है, पर रिस्क क्यों लेना, इसलिए उसको याद कर लियो। जिवें जे आपां गल करिए कुछ मैं याद कर ला, पहला कि गल करता अपनी टैरीटरी नाल, अपनी जी बाउंड्रीज ने देश दियां, ठीक है, टैरीटरीज हो गई उन्होंने डील करता है, दूजा तो आपां नूं पता ही है सारे नूं सिटीजनशिप नाल करता है, तीजा करता अपना फंडामेंटल राइट्स नाल, चौथा करता अपना डायरैक्ट पॉलिसीज ऑफ स्टेट, डायरैक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, पंजवा करता अपना यूनियन गवर्नमेंट नाल, छेवां करता अपना स्टेट गवर्नमेंट नाल, ठीक है, इस तो अलावा अठवां करता अपना यूनियन टैरिटरीज नाल, यूटीज नाल, नौवां पंचायती राज नाल, नौवां ए मुंशी मुंसी म्युनसीपालिटीज नाल, तुसी बाकी तुसी दसवें दसो, दसवां कितने करता है, तुसी कमेंट बॉक्स लिखना कि दसवां कितने करता है, ठीक है।
ओके नाइन क्वेश्चन क्या है विच शेड्यूल डील विद लैंग्वेज दसो लैंगुएज ना कि शेड्यूल डील करता तुम ये दसना तो टाइम से होंगे हूँ ओके टाइम्स अप तेरा सही आंसर आजू अपना सी अठवां शेड्यूल कि डील करता लैंगुएज ना डील करता ठीक है देखो ये अपने 12 शेड्यूल ने ये पहला करता है स्टेट ते यूटीज नाल दूजा करता अपना सैलरीज नाल सैलरीज हो गई ठीक है तीजा करता अपना ओथ सिर्फ एक एक बार याद कर लिया करो उस नाल आइडिया लग जाता है पूरी स्टेटमेंट पूरी सेंटेंस याद करने की लोड़ नहीं होंगी ठीक है सिर्फ दूजा सैलरी तीजा ओथ ठीक है तो चौथा अपना करता सीट्स इन राज्यसभा ठीक है पंजवा अपना डील करता शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब ठीक है छेवा अपना ट्राइबल एरिया जड़ी मणिपुर ठीक है मेघालय त्रिपुरा इस साइड द्राइबल एरिया ने उसू करता शेड्यूल छेवा करता तो सत्तवा करता डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन इन स्टेट्स एंड यूनियन ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन पावर की वंडना किमें पावर वंड किमें करनी है अठवा थोड़ा दसता मैं लैंग्वेज न करता नौवा करता अपना वैलीडेशन ऑफ एक्ट ठीक है किमें किन्ने टाइम तक वो वैलिड है अपने जो एक्ट ने ठीक है तो दसवां करता अपना एंटी डिफेक्शन का ग्यारहवां करता पंचायती बारहवां करता म्यूनसीपैलिटी ग्यारहवां पंचायती बारहवां म्यूनसीपैलिटी बारह याद रख लियो बहुत इंपोर्टेंट है इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता ओके दसवां क्वेश्चन कहते विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ए मैंबर ऑफ सैवन सिस्टर इन सैवन सिस्टर तो अपन पता ठीक है अपने अपने इधर ईस्ट इंडिया करनी सैवन कुछ स्टेट ने जिन्होंने सैवन सिस्टर कहा जाता है दसिया ने भी इन्होंने के मैंबर है ठीक है मैंबर के हैगा ये दसना तो थोड़ा टेंशन होता होना ओके टाइम दबते हो सही आंसर आजू अपना बी त्रिपुरा त्रिपुरा सैवन सिस्टर का पार्ट है ठीक है सैवन सिस्टर याद रख लियो पर इन्हों का एक ब्रदर भी है वह भी याद रख लियो तो सैवन सिस्टर कहड़िया ने जिम्मे अरुणाचल प्रदेश हो गया इस तुला आसाम हो गया मणिपुर हो गया मेघालय हो गया मिजोरम अपना नागालैंड त्रिपुरा ठीक है तुम मैं कमेंट बॉक्स लिखो कि ब्रदर की कहते हैं सैवन हो गया ना एक दो तीन चार पाँच छे सात ठीक है सैवन सिस्टर तो यह हो गई ठीक है जिसे त्रिपुरा आ गया ठीक है त्रिपुरा की है सैवन सिस्टर का पार्ट है चलो ब्रदर कौन है ब्रदर तुम मैं दसना ठीक है चल मैं दस देना ब्रदर सिक्किम है ठीक है सिक्किम की है ब्रदर है सिक्किम ब्रदर कह देना सैवन सिस्टर ने ब्रदर क्यों कहते हैं कहो सिस्टर क्यों नहीं क्या सिक्किम कभी बाउंड्री नहीं लगती ठीक है बाउंड्री नहीं लगती करके सिक्किम की सिर्फ इको स्टेट ना बाउंड्री लगती है वैसट बंगाल ठीक है वैसट बंगाल ने सिर्फ सिक्किम की बाउंड्री लगती है बाकी किसी भी स्टेट ना सिक्किम की बाउंड्री नहीं लगती ठीक है इस तो इलावा एक होर है स्टेट जिदी सिर्फ एक स्टेट ना बाउंड्री लगती है मेघालय मेघालय की जी बाउंड्री है वह सिर्फ आसाम ना लगती है ठीक है मेघालय की सिर्फ आसाम ना लगेगी जो स्टेट की गल करिए आसाम लगती है सिक्किम की लगती है वैसट बंगाल ना सिर्फ एक स्टेट ना ओके ग्यारहवां क्वेश्चन कहते सिक्किम वाज मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन अंडर ठीक है सिक्किम देश का हिस्सा बनाया गया दसो कि अमेंडमेंट बनाया गया जी दसना तो थोड़ा टाइम शुरू होता हूँ ओके टाइम दफ्ते का सही आंसर आजू अपना ए 36th अमेंडमेंट हुई थी जिसे सिक्किम इंटीग्रल पार्ट बना लिता गया इंडिया का ठीक है तुम्हें की करना कि कंट्री की डेट्स याद रखनी भी सॉरी स्टेट की डेट याद रखनी भी कि स्टेट कदों बनी थी ठीक है डेट वाइज उन्होंने सिक्किम वाइज याद रखना पूछ लेंगे भी नौवीं स्टेट कि बनी थी सत्तवीं स्टेट कि बनी थी छेवीं स्टेट कि बनी थी इस तरीके स्टेट्स पूछ लेंगे तो डेट्स कि डेट में कि स्टेट बनी इस तरह पूछ लेंगे तो स्टेट्स सिक्वेंस भी हैं तो उस डेट्स याद रख लियो जिमें कि आंध्र प्रदेश का सबनों पता है आंध्र प्रदेश सब तो पहली बनी थी 1953 के पहली स्टेट है जी भाषा के आधार पर बनी थी अपनी आंध्र प्रदेश इस तो बाद दो बनिया जी अपन केरला कर्नाटका केरला के कर्नाटक अपनी 1956 बनी थी याद रख लियो इस तो बाद बॉम्बे तोड़ के गुजरात से महाराष्ट्र बनाई गई पहला बॉम्बे थीगा बॉम्बे तोड़ के बनाई थी गुजरात से महाराष्ट्र 1960 ठीक है 1960 बॉम्बे तोड़ के गुजरात से महाराष्ट्र बनाया गया तो इस तो बाद नागालैंड नागालैंड बनी
नागालैंड बनी थी अपनी 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਬਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਮਣੀਪੁਰ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ। ਮਣੀਪੁਰ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਇਹ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਕਿਮ, ਸਿੱਕਿਮ ਬਣੀ ਸੀ, ਸਿੱਕਿਮ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਿਮ ਬਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਰੁਣਾਚਲ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਆ ਬਣੀ ਸੀ, ਗੋਆ ਬਣੀ ਸੀ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਝਾਰਖੰਡ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਝਾਰਖੰਡ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਆਪਣੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਜੋ ਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, 12ਵਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀ ਅਸੈਪਟ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਆਫ ਡਿਊਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਮਤਲਬ ਡਿਊਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ। ਓਕੇ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੇਰਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਆ ਜੂ ਆਪਣਾ ਬੀ, ਕੈਨੇਡਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡਿਊਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲੈ ਲਈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇਸਦਾ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜਾ। ਜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 5 ਤੋਂ 11 ਅਤੇ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ 5 ਤੋਂ 11 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਓਕੇ, 13ਵਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ, 13 ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੂ ਫੋਰਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨੀਗਾ। ਕਿ ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ। ਓਕੇ, ਟਾਈਮਸ ਅਪ ਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਆਜੂ ਆਪਣਾ ਬੀ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੋਰਨਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਰੀਡਮ, ਫਰੀਡਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗੇਂਸਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸਪਲੋਟੇਸ਼ਨ, ਹਨਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੀਡਮ ਟੂ ਰਿਲੀਜਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲਚਰ, ਆਪਦਾ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਮਡੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਦਾ ਹਨਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਸੋਲ, ਦਿਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਕਿਹਾ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਸੋਲ ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਸੋਲ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ। ਓਕੇ, 14ਵਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਪੇ ਫੋਰ ਇਕੁਅਲ ਵਰਕ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇਨਸ਼ੋਰਡ ਇਨ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਪੇ ਫੋਰ ਇਕੁਅਲ ਵਰਕ, ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਬਰਾਬਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਓਕੇ ਟਾਈਮਸ ਅਪ ਤੇ ਆਊਗਾ ਆਪਣਾ ਬੀ DPSP ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ DPSP ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ DPSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ 4 ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ 36 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 51 ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ DPSP ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਹੋ ਸਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਉਹ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਓਕੇ 15ਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਡਰ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਦੀ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨ ਬੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬੀ ਇੰਪੀਚਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪੀਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਸਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਊਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ओके टाइम्स ऑफ सिर्फ सही आंसर आजगा ए आर्टिकल 61 ठीक है आर्टिकल 61 के अंडर आता है जे आप की कहने प्रेजिडेंट की इंपीचमेंट मतलब प्रेजिडेंट न कदी तो तारना हो ठीक है तो इस तुम इलावा याद रख लियो कि मिनीम एज कि होंगी है प्रेजिडेंट बनने वास्ते मैक्सीम एज कि होंगी है प्रेजिडेंट बनने वास्ते ठीक है मिनीम एज होंगी अपनी 35 तो मैक्सीम एज ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਨੋ ਲਿਮਿਟ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਏਜ ਓਕੇ 16ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੂ ਕੈਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਊਗੀ ਉਸਦੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ओके टाइम्स अप तो सही आंसर आ जाऊ अपना ए 1/4 मैंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जे किसी भी पार्लियामेंट जे चौथा हिस्सा मैंबर ने वह की करते हैं रेजोल्यूशन वास्ते मतलब पास करने वास्ते कहते हैं भी आप इंपीचमेंट करनी है प्रेजिडेंट की तो यह जो प्रोसैस है जो रेजोल्यूशन है यह प्रोसैस जो है शुरू हो जाऊगा ठीक है जे 1/4 जो मैंबर वो की कहते हैं ठीक है इस दे विच की हुंदा भी जो 1/4 मैंबर ने मतलब किसी भी हाउस के उन्होंने 14 दिन पहला नोटिस देना होंगे ठीक है तो की हो जूगी फिर स्टार्ट हो जूगी अपनी रेजोल्यूशन ठीक है रेजोल्यूशन दे विच जे 2/3 तो मतलब दो का तीजा हिस्सा 2/3 2/3 जिहड़े मैंबर ने ठीक है वह हाँ कहते हैं इंपीचमेंट वास्ते हाँ कहते हैं किसी भी अपने हाउस के 2/3 जिहड़े मैंबर ने वो हाँ कहते हैं तो प्रेजिडेंट न उसकी पद तो हटा दिया जाऊगा 2/3 मैंबर ठीक है शुरुआत किमें होगी 1/4 मैंबर जो कहे भी हटाना तो रेजोल्यूशन वास्ते शुरुआत हो जूगी पर जे 2/3 कहे भी हाँ हटाना तो प्रेजिडेंट हटा दिया जाऊगा ठीक है याद रख लियो ओके 17वां कहते द वैकेंसी ऑफ ऑफिस ऑफ अ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट बी फिल्ड अप विद इन जे मान लो प्रेजिडेंट की जी मतलब पोस्ट है वह खाली हो जाए तो वह किन्ने टाइम के भरना पैंता यह दसना अपने थोड़े सामने चार ऑप्शन थोड़ा टाइम शुरू होता हूँ ओके टाइम दफ्ते का सही आंसर आजगा अपना बी 6 मंथ 6 महीनों के अंदर अंदर उसको भरना पैंता है जो मैं सूँ चलो मैंने दसो कि पावर की ने प्रेजिडेंट की प्रेजिडेंट को पावर होंगे ने प्रेजिडेंट को मिलनी 6 पावर होंगे ने ठीक है एक होंगी है एग्जीक्यूटिव पावर ठीक है किसी को अपॉइंट करना ठीक है सहुं चुकाना वो एग्जीक्यूटिव पावर किसी को होगी प्रेजिडेंट को होगी लैजिस्लेटिव पावर लास्ट के बीच बिल किसी को जाते हैं प्रेजिडेंट को जाते हैं तो लैजिस्लेटिव पावर भी होगी एमरजेंसी पावर 3 एमरजेंसी पावर होंगे ने ठीक है तो एमरजेंसी पावर किसी को होगी यह भी प्रेजिडेंट को होगी फाइनैशियल पावर ठीक है फाइनैशियल पावर अपन को मनी बिल पास करने वास्ते लास्ट से किसी को जाता प्रेजिडेंट को जाता फाइनैशियल पावर किसी को होगी प्रेजिडेंट को होगी जुडिशियल पावर भी होंगी है कि किसी को माफ़ करना किसी सज़ा कटानी वधानी जुडिशियल पावर भी होगी मिलटरी पावर तो आपको पता ही है
मिलिट्री पावर कि मिलिट्री पावर की प्रेजिडेंट को होंगी है तो इन सुप्रीम कमांडर भी किया जाता है। इन किया जाता है प्रेजिडेंट की किया जाता है सुप्रीम कमांडर। ठीक है सुप्रीम कमांडर किन किया जाता प्रेजिडेंट किया जाता है याद रख लियो। ओके अठारवा कहते हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का चेयरमैन कौन है आप दस रहे थोड़े सामने चार ऑप्शन टाइम शुरू है हूँ ओके टाइम्स आपके तो सही आंसर है जो अपना सी प्राइम मिनिस्टर होंगे ठीक है प्राइम मिनिस्टर होंगे चेयरमैन होंगे अपना एनआईसी का। एनआईसी का चेयरमैन कौन होंगे प्राइम मिनिस्टर होंगे नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। ये होंगे कॉमूनल हारमोनी बनी रहे भाईचारा बनया रहे इस वास्ते काउंसिल होंगी है ठीक है जिसका चेयरमैन कौन होंगे प्राइम मिनिस्टर होंगे ये याद रख लियो। और 19वां क्वेश्चन कहते हु इज द कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म। इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म का पिता किसान कहा जाता है आप दस रहे हैं सामने चार ऑप्शन ने टाइम से होंगे हूँ ओके टाइम्स आप तेरा सही आंसर आज अपना मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जी ने की किया जाता है फादर किया जाता है अपने इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म का। इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म का पिता किन किया जाता है मनमोहन सिंह जी ने किया जाता है क्योंकि ये बहुत सारे की लेके आई थी इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आई थी एलपीजी वाला जो सिस्टम है ये भी यही मनमोहन सिंह जी लेके आई थी मतलब लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन। ठीक है एलपीजी का जो कॉन्सेप्ट थी कौन लेके आई थी मनमोहन सिंह जी लेके आई थी। चलो आह जो क्वेश्चन है ना 20 क्वेश्चन है सोडा होमवर्क है तुसी इस आंसर लगाना देखते हैं किन्ने स्टूडेंट इस आंसर पता कहते हु वाज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डिफेंस मिनिस्टर इंडिया का कौन सी जो इंडो चाइना वार हुई थी 1962 दे विच इंडिया से चाइना की जी जंग हो रही थी उस टाइम डिफेंस मिनिस्टर कौन थी यह दसना तो करता मैं इस थोड़ा एक ऑप्शन चक देना चलो आ खत्म करता चलो ए कर दें आ भी खत्म करता बी दे सी दे विच तुहानू दसना ठीक है ओके इहदे अपना यह लैक्चर खत्म हुंदा जे तुहानू इसकी पीडीएफ चाहिए तुसी की करना टैलीग्राम चैनल दे विच सरकारी 99 इकट्ठा लिखना बिना स्पेस तो इकट्ठा लिखना सरकारी 99 और तुहानू टैलीग्राम ते इसकी पीडीएफ मिल जूगी। जे तुसी मेरी होर वीडियोज़ देखना चाहते हो तुसी करना यूट्यूब दे सर्च दे विच सरकारी 99 लिखना उत्थे तुहानू मेरी होर भी वीडियोज़ मिल जाणगियां जिहदे विच मैं करंट अफेयर की वीडियोज़ अज्ज पा दूंगा। ठीक है तो थोड़ा लास्ट तक वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया कल भी मिलेंगे नवे ड्रेस देना तब तक अपना ध्यान रखो ख्याल रखो सुरक्षित रहो थैंक यू वेरी मच।